दोस्तों आजकल रियलमी बहुत ही चर्चे में है, क्यों ना हो, क्योंकि रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर है मिस्टर सलमान खान, यानी हुड हुड दबंग 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 हुड हुड दबंग दबंग दबंग। और दोस्तों रियलमी का दो स्मार्टफोन भी लॉन्च होने वाला है, एक तो है रियलमी 6 और दूसरा है रियलमी 6 प्रो, 5th March ये भारत में आ जाएगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो निकल के आया है एकदम लेटेस्ट न्यूज रियलमी 6 एंड 6 प्रो का, यानी जो प्रो एंड नंबर का सीरीज होता है, इसका जो प्राइस रहता है एज यूजुअल रियलमी के तरफ से, ये क्या इस बार एक ही होगा या थोड़ा सा आपको प्राइस ज्यादा देखने को मिलेगा? सवाल ऐसा भी है। अब आपको ब्लाइंड सेल में रियलमी 6 एंड 6 प्रो का जो हो रहा है इसमें आपको भाग लेना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए, रियलमी 6 प्रो एंड 6 खरीदना चाहिए या नहीं, देखते रहिए वीडियो। तो चलो करब ना आर देरी, शुरू करी। दिल से होगा एक ही आवाज, दिल से होगा एक ही रिक्वेस्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और ऊपर जाने में सहायता कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर पुश कीजिएगा, ऑल कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बात अब रियलमी 6 एंड 6 प्रो के बारे में। अब जो ये ब्लाइंड सेल अब चल रहा है रियलमी की तरफ से, रियलमी के ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पे आपको दो फोन जो रियलमी 6 एंड 6 प्रो इसके ऊपर कुछ ऑफर्स मिल जाएगा। एक्चुअली आप इस ब्लाइंड सेल में हिस्सा ले सकते हो सिर्फ 1000 रुपीज डिपोजिट करके। अगर आप प्री बुक करते हो 1000 रुपीज डिपोजिट करके रियलमी 6 का, तो आपको एक ईयरबड्स 2 ये मिल जाएगा रियलमी की तरफ से। और अगर आप रियलमी 6 प्रो प्री बुक करते हो 1000 रुपीज डिपोजिट करके, तो आपको यहां पे जो वायरलेस बड्स होगा वो आपको मिल जाएगा। यानी इसका प्राइस तकरीबन 1800 रुपए के आसपास है और आपको 1000 रुपीज उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्या आपको ये खरीदना चाहिए और जो इसका ब्लाइंड सेल है इसमें हिस्सा लेना चाहिए? नहीं, रुक जाइए। अब ऐसा क्यों? देखिए आपको थोड़ा सा स्पेक्स के बारे में तो ये आइडिया आ चुका है, पर आपको प्राइस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। अब ऐसे समय आप क्यों उसको खरीदोगे? नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह सुनने में आ रहा है रियलमी 6 एंड 6 प्रो का प्राइस थोड़ा सा हाइक होने वाला है। अब रियलमी 6 प्रो में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है, रियलमी 6 प्रो में। इसमें आपको 6.4 इंचेस का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है, इसमें आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले मिलेगा और यहां पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी डिस्प्ले में मिल जाएगा, काफी अच्छा है। इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट नहीं ग्लास बॉडी डिजाइन मिलेगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा, एक नया डिजाइन है, स्प्लैश प्रूफ है और यहां पे 64 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर मिलेगा। इसी के साथ आपको 3 कैमरास और मिलेगा, इसमें से एक है टेलीफोटो लेंस, जो होगा मुझे पता नहीं, और शायद हो सकता है 5 मेगापिक्सल, पर यह सुनने में आ रहा है 13 मेगापिक्सल भी हो सकता है, तो वेट करते हैं। इसके साथ 2 मेगापिक्सल का एक सुपर मैक्रो लेंस और एक आपको अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का मिलेगा। सामने में आपको 16+8 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर और एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा। साथ में यहां पे आपको यूएसबी टाइप सी 30 वाट का फास्ट चार्जर, वो भी बॉक्स में, और आपको जो साइड में वो फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, फेस अनलॉक मिलेगा, हर एक फीचर्स मिलेगा, एंड्रॉइड 10 के साथ रियलमी UI मिलेगा। अब इस फोन का प्राइस क्या हो सकता है? देखिए अगर आप रियलमी का हिस्ट्री देखते हो तो जो प्रो सीरीज है इसका प्राइस 14,000 से 15,000 के बीच में आता है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा गया है, किसके तरफ से? मिस्टर माधव सेठ, द सीईओ ऑफ रियलमी। उन्होंने कहा है इसका प्राइस 15,000 से 20,000 के अंदर होगा। यानी आप ये सोच सकते हो कि प्रो सीरीज भी अभी 20,000 के नीचे आपको मिलेगा। अब यहां पे आपको जो प्राइस देखने को मिल सकता है वो 17,000, आपको प्राइस मिल सकता है 18,000, आपको प्राइस मिल सकता है 16,000 के ऊपर। अगर ऐसा होता है, यानी 17,000 इस फोन का प्राइस होता है, तो मैं कहूंगा नहीं। अगर 17,000 के नीचे होता है, यानी 16,000 या पोको X2 के नीचे होता है, 15,000 16,000, ठीक है, इसके अलावा मुझे लगता है अब वेट कीजिए, क्योंकि वेट करना ही आपके लिए बेहतर होगा। अब इसका जो फ्लैश सेल वो तो आएगा, आपको मिलेगा भी, मैं भी खरीदूंगा और आपके सामने अनबायस रिव्यू भी दूंगा। तो स्पेक्स को लॉन्च इवेंट में देख लीजिए, जान लीजिए, सुन लीजिए, प्राइस को रिवील होने दीजिए, उसके बाद आपके हिसाब से डिसाइड कर लो कि आपको ये लेना है या नहीं, और कुछ वीडियोस देखो और उसके बाद खुद का दिमाग लगाओ।
तो अभी के लिए भाई ना, क्यों? क्योंकि इसका प्राइस सुनने में आ रहा है थोड़ा सा ज्यादा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया है।